प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के साथ साथ अर्थशास्त्री भी बताया है और कहा है उनके सपने को हम सभी मिलकर साकार करेंगे। दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सम्मेलन में पीएम ने कहा कि दलितों का आत्मसम्मान सरकार की जिम्मेदारी है। पीएम ने डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा अर्थशास्त्री भी बताया और कहा कि दलितों की तरह उन्हें भी अपमान सहना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां मुद्रा बैंक की भी बात की और कहा कि इस योजना के तहत जिन 80 लाख लोगों को लोन मिला है उनमें से सबसे ज्यादा दलित, एसटी और ओबीसी हैं। जम्मू कश्मीर के झंडे को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर बहस शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सरकारी इमारतों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों पर झंडा लगाया जाए। जम्मू कश्मीर ने राज्य के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू स्टेट ऑनर एक्ट 1979 का हवाला देते हुए निर्देश दिया है कि सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर जम्मू कश्मीर के झंडे फहराएं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस आदेश को राज्य के लिए अच्छा बताया तो बीजेपी ने कहा कि देश में हर जगह राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर का ध्वज अलग से भी रहता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की अनदेखी करके नहीं हो सकती और न की जानी चाहिए। जब से एनडीए की सरकार आई है केंद्र में और पीडीपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार जम्मू कश्मीर में, तो जो अलगाववादी ताकतें हैं उनकी गतिविधियां बड़ी तेज हुई है। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। वो देश का इकलौता राज्य है जिसका अपना झंडा है। बिहार में दोनों बेटों के पैर राजनीति में जमाने के बाद अब लालू यादव दिल्ली की राजनीति में दखल बढ़ाने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लालू पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश बिहार संभालेंगे और वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। बीजेपी ने लालू यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार जी को ये आत्मचिंतन अब करना पड़ेगा कि उनको जो वोट मिला था वो वोट सुशासन के लिए मिला था या लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को प्रमोट करने के लिए मिला था। जेडीयू के 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जुलाई 2016 में ही खत्म हो रहा है। इसके बाद लालू यादव राबड़ी और मीसा को राज्यसभा के लिए आरजेडी का उम्मीदवार बना सकते हैं। बिहार विधानसभा में आरजेडी के पास 80 सीटें हैं। ऐसे में राबड़ी और मीसा को राज्यसभा भेजने के लिए लालू को महज 2 वोटों की जरूरत होगी। 4 दिन पहले बिहार के दरभंगा में मारे गए इंजीनियर ब्रजेश कुमार सिंह के परिजनों ने आत्मदाह की धमकी दी है। मृतक के परिजनों ने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं बिहार में इंजीनियर की हत्या के बाद हो रहे बवाल को लेकर लालू प्रसाद यादव का पहला बयान सामने आया है। लालू यादव ने कहा कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा और अपराधियों के मंसूबा और उनके जबरा को सरकार कानून के तहत सख्ती के साथ, ये अपराधी संतोष झा गिरोह सीतामढ़ी का पूरा मिथिलांचल इलाका से कई जगह से गिरोह फैले हुए हैं। लालू ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि बिहार सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लालू यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाने से लेकर एसपी तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बिहार के दरभंगा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 इंजीनियरों की हत्या के मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। दरभंगा में जिस जगह दोनों इंजीनियर की हत्या हुई थी वहां से एक पर्ची मिली है। पर्ची पर लिखा है कि हमसे भागकर कहां जाइएगा। साथ ही पर्ची पर 2 नाम लिखे हैं, पहला नाम मुकेश पाठक का और दूसरा विकास झा का है। दोनों के बारे में फिलहाल ये पता चल रहा है कि दोनों शार्प शूटर हैं। इसके अलावा एसटीएफ को ऐसे क्लूज मिले हैं जिससे साबित हो सकता है कि इस मर्डर के पीछे नक्सलवादी संतोष झा का हाथ है। जिस बहेड़ा नाम के गांव में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसी गांव में संतोष झा की बहन की शादी हुई है। एसटीएफ को शक है कि इंजीनियर के मर्डर का प्लान संतोष झा की बहन के ससुराल वालों ने बनाया था और उनके प्लान बनाने के बाद संतोष झा के शूटर ने इस मर्डर को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में संतोष झा के एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस मारे गए इंजीनियरों के परिवारों को सुरक्षा देने पर भी विचार कर रही है।
इससे पहले सीएम नीतीश ने अफसरों की बैठक ली थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अफसरों को फटकार लगाई गई थी। बिहार में इंजीनियर्स पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरभंगा में दो इंजीनियर्स की मौत के बाद वैशाली और मुजफ्फरपुर से एक एक इंजीनियर की हत्या का मामला सामने आया है। वैशाली में सोमवार सुबह निजी कंपनी के इंजीनियर अंकित झा का शव मिला। बताया जा रहा है कि अंकित की हत्या चाकू से गला रेतकर की गई। अंकित के परिवार वालों के मुताबिक रविवार रात वो पटना ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन सोमवार को उन्हें पुलिस से खबर मिली कि अंकित का मर्डर हो गया है। पुलिस के मुताबिक अंकित के शरीर पर चाकू मारे जाने के कई निशान मिले हैं। तो वहीं दूसरी घटना मुजफ्फरपुर में हुई। यहां दुकान बंद करके घर जा रहे व्यापारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में संतोष शाह नाम के व्यापारी को अपराधियों ने गोली मार दी। परिवार वाले जब तक संतोष को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि लूट के लिए ये मर्डर हुआ है। ऐसे में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल उठ रहे हैं, हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार में एक के बाद एक हो रहे इंजीनियर्स की हत्या पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर अंदाज में है, वहीं सरकार के लोग डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में अपराध के इजाफे को लेकर कहा है कि जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, तब से इस तरह की वारदातों में इजाफा हो रहा है। वहीं जेडीयू नेता अली अनवर ने नीतीश सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार की जनता ने इसी जीत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की और इतना बड़ा जीत दिया। इस प्रश्नों का उत्तर तो बेहतर बिहार सरकार दे सकती। मुख्यमंत्री स्वस्थ और अच्छे प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। कल उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग करके आवश्यक निर्देश दिए हैं, लिहाजा हमें उनके नेतृत्व में पूरा विश्वास है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डीडीसीए घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बनाए गए जांच आयोग के अध्यक्ष गोपाल सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जांच आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और इस मामले में मंत्रालय से सीबीआई और आईबी अफसरों की मदद भी मांगी है। आपको बता दें कि डीडीसीए विवाद पर जांच को लेकर गोपाल सुब्रमण्यम आयोग ने काम शुरू कर दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने डीडीसीए मामले में गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था, जिसके लिए बाकायदा एक दिन के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से इस आयोग को मंजूरी नहीं दिए जाने के बावजूद गोपाल सुब्रमण्यम ने अपना काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में ऑटो परमिट घोटाले को लेकर बीजेपी ने आज भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री गोपाल राय के इस्तीफे की मांग कर रही है। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज गोपाल राय के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि ऑटो परमिट घोटाले में परिवहन विभाग के 3 अफसरों पर कार्रवाई नाकाफी है। पहली बात यह है कि बीजेपी इस्तीफा क्यों मांग रही है। हम तो सारी चीज केंद्र सरकार के हाथ में सौंप रहे हैं, जांच कराए वो, और हम तो चाहते हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनसे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऑटो परमिट बांटने में धांधली के खुलासे के बाद दिल्ली सरकार ने 932 ऑटो परमिट रद्द कर दिए। मामले में ट्रांसपोर्ट विभाग के डिप्टी कमिश्नर एस रॉय विश्वास, इंस्पेक्टर मनीष पुरी और यूडीसी अनिल यादव पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। धांधली के खुलासे के बाद दिल्ली सरकार ने ऑटो परमिट जारी करने की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू होने से पहले सीएनजी गाड़ियों में स्टिकर लगाना जरूरी है। आज से सीएनजी गाड़ियों में स्टिकर लगाना शुरू हो गया है।
दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को लागू होने में महज दो दिन का वक्त बचा है। सीएनजी गाड़ियों को इस नियम से छूट के लिए आज से स्टिकर जारी करने का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन लोगों को स्टिकर देने के लिए जो मैनेजमेंट नजर आ रहे हैं उसमें राहत कम मुश्किलें ज्यादा दिख रही हैं। दिल्ली का इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड स्टिकर तो दे रहा है, लेकिन स्टिकर को लेकर उसे भी उतनी क्लैरिटी नहीं है, जैसे कहां स्टिकर लगाया जाएगा, जैसे कैसे इसका इस्तेमाल होगा, जिसका सीधा असर वहां स्टिकर लेने पहुंच रहे लोगों के साथ साथ गैस भरवाने वालों पर भी पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब स्टिकर के लिए इतनी आफत है तो कैसे लागू होगा नया नियम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फेक नंबर पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा मंडल यानी व्यापम को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में व्यापम की पुरानी वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की नई वेबसाइट शुरू की गई है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की नई वेबसाइट www.peb.mp.gov.in है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि नाम बदलने से दाग नहीं धुलते, काम बदलने से दाग धुलते हैं और दाग हमने धो दिए हैं। जबकि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि भले ही व्यापम का नाम बदल दिया जाए, लेकिन व्यापम फर्जीवाड़े के जरिए देश और विदेश में मध्य प्रदेश का नाम बदनाम तो हुआ है और इसके लिए कोई इलाज नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि नाम बदलने से दाग नहीं धुलेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी जगमोहन यादव 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद सूबे के नए डीजीपी के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी जगमोहन यादव रिटायर हो रहे हैं। डीजीपी का कार्यकाल बढ़वाने के लिए कोर्ट में एक याचिका दी गई। इस याचिका पर कल सुनवाई हुई। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और डीके उपाध्याय की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का बढ़वाने के लिए याचिका की गई थी। याचिकाकर्ता कामता प्रसाद ने इस पूरे मामले में दलील दी थी कि डीजीपी का कार्यकाल पुलिस सुधार अधिनियम के अनुसार 2 साल का होना चाहिए। इसके लिए प्रकाश सिंह की याचिका का भी जिक्र किया गया। यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार हुआ जब इस तरह की कोई याचिका दायर की गई हो। कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने को कोई राहत नहीं दी और इस याचिका के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया। दरअसल इस पूरी याचिका के दौरान जब सुनवाई चल रही थी उस वक्त जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के अलावा महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह खुद मौके पर तमाम अधिवक्ताओं के साथ मौजूद रहे। एडवोकेट अविनाश चंद्रा ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बहस की। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा, उसका चेहरा क्या होगा, उसकी छवि क्या होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा, अब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा सवाल है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की शराबबंदी की नीति पर मुहर लगा दी है। इसके बाद केरल में सिर्फ 5-स्टार होटल्स में ही शराब परोसी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नीति के तहत केरल के बारों में शराब बैन करने को जारी रखा है। सिर्फ 5 सितारा होटलों में शराब परोसी जाएगी, जबकि 2, 3 और 4 सितारा बार वालों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की शराबबंदी कानून पर अपनी रजामंदी जताते हुए बारों में शराब पर बैन को सही बताया है। राज्य की ओमान चांडी सरकार ने पिछले साल लाई अपनी नीति के तहत 10 साल के अंदर राज्य को शराब से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ओमान चांडी की सरकार ने पिछले साल एक नीति पेश की थी जिसके मुताबिक सरकार 10 साल के भीतर राज्य को पूरी तरह से शराब मुक्त बना देगी। सिर्फ 5-स्टार होटलों को इस नीति के तहत शराब परोसने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि आमतौर पर केरल में रहने वाला हर निवासी 8.3 लीटर अल्कोहल पर ईयर के हिसाब से कंज्यूम करता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना करें तो ये मात्रा दोगुनी है। दाल कीमतों की बेहताशा बढ़ोतरी को लेकर मुनाफा कमाने के मामले में अब इनकम टैक्स विभाग हरकत में आ गया है। दाल इंपोर्ट समेत कमोडिटी का वायदा कारोबार चलाने वाले एक्सचेंज NCDEX पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक NCDEX ने मुंबई के एक दफ्तर में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक दाल की कीमतों में बेहताशा बढ़ोतरी के दौरान ज्यादा मुनाफा कमाने के मामले में ये छापेमारी हुई है। हालांकि एक्सचेंज का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग का ये सर्वे एक रूटीन प्रक्रिया है और एक्सचेंज इस सर्वे में पूरा सहयोग कर रहा है। वहीं छापेमारी के बाद NCDEX का दावा है कि एक्सचेंज कारोबार में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है।
सऊदी अरब में फंसे 19 भारतीय मजदूरों ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद मांगी है। विदेश मंत्री ने भी इन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। सऊदी अरब में 19 भारतीय मजदूरों के अलावा भारत के आकाश नाम के शख्स ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। आकाश ने खुद का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया और उसका लिंक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्विटर पर शेयर किया। वहीं आकाश के साथ साथ सऊदी अरब में फंसे 19 भारतीय मजदूरों का वीडियो देखकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तुरंत मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले भी कई बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे भारतीयों के गुहार लगाने पर उनकी मदद कर चुके हैं। 10 लाख या उससे ज्यादा की सालाना इनकम वालों को 1 जनवरी 2016 से एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नए सिलेंडर पर सब्सिडी लेने के लिए अब उन कंज्यूमर को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। इसमें बताना होगा कि उनकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से कम है। नए नियम के मुताबिक सिर्फ एलपीजी कनेक्शन रखने वालों की ही नहीं बल्कि पति या पत्नी की भी इनकम 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा हुई तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसकी शुरुआत नए सिलेंडर बुक कराने से होगी। बाद में नए कनेक्शन लेने वालों को भी 10 लाख रुपए से कम इनकम रखने का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, तभी सब्सिडी मिलेगी। सरकार लोगों से अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने के लिए गिव इट बैक कैंपेन भी चला रही है, जिसके तहत अब तक 57 लाख लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। इसके तहत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 15,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। देश भर में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या करीब 16 करोड़ है, जिनमें से तकरीबन 15 करोड़ उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में आती है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। इसे लेकर सरकार तेल कंपनियों से बात कर जल्द फैसला ले सकती है। दरअसल सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। लगातार गिरती कीमतों की वजह से अपने घाटे को कम करने के लिए सऊदी अरब कच्चे तेल के दामों को 40% तक बढ़ा सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल का भाव बढ़ सकता है। दरअसल सऊदी अरब कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक नए साल के मौके पर आतंकी संगठन भीड़भाड़ वाले इलाकों को अपना निशाना बना सकते हैं और इसे लेकर होम मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसको लेकर एनएसए अजीत डोवाल ने आंतरिक सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक भी की है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर मॉल, सार्वजनिक जगहों, बाजार में सुरक्षा कड़ी करने की एडवाइजरी जारी की है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन नए साल के जश्न के दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर ब्लास्ट कर सकते हैं। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद दिल्ली में 3,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने तो ये आतंकी संगठन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और भोपाल जैसे शहरों को अपने टारगेट पर ले सकते हैं। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस के आवास इतने जर्जर हैं कि एक सिपाही का बोझ नहीं उठा सकते। एक सिपाही अनिल अवस्थी की मौत रेलिंग के गिर जाने से हो गई। हरदोई का रहने वाला अनिल अवस्थी सिपाही के पद पर तैनात था और मौजूदा समय में वह वीमेन पावर लाइन 1090 में चालक की ड्यूटी कर रहा था। अनिल पुलिस लाइन में बने एक बैरक में रहता था। एक दिन अनिल अपनी बैरक में मौजूद था और रात में वो रेलिंग के पास कुल्ला करने के लिए निकला और तभी 10 फीट ऊंची रेलिंग अचानक ढह गई, जिसके कारण रेलिंग के सहारे खड़ा सिपाही अनिल नीचे आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ अधिकारी सिपाही की इस मौत को सिर्फ एक हादसा बता रहे हैं और इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को अज्ञात शख्स की तरफ से उनके पर्सनल मोबाइल फोन पर हिसार नहीं आने की चेतावनी के मामले पर हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि उनकी डॉक्टर चंद्रा से इस मामले पर बात हुई है और उन्होंने खुद पुलिस के आला अधिकारियों से भी इस मामले का ब्यौरा लिया है। उनसे बात हुई है और वस्तुस्थिति क्या है, पुलिस इसकी छानबीन करेगी और छानबीन करने के बाद ही जो कोई बात होगी उसमें असलियत में जाएंगे कि इस प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति कौन है, किसकी शय पर कर रहा है, क्या वास्तविकता है क्या नहीं है, पुलिस की छानबीन के बाद ही पता लगेगा। इससे पहले एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सिटी थाने में दर्ज हुई शिकायत पर पुलिस छानबीन भी कर रही है। हिसार के एसपी अश्वनी शैणवी के मुताबिक इस मामले की जांच चल रही है।
जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना मेरे संज्ञान में है, उसके हिसाब से उस कंप्लेंट की फर्दर इंक्वायरी के लिए रोजनामचा में जो DDR एंट्री है वगैरह वो कर दी गई है, एंड इसके बारे में भी उनको भी जो कंप्लेंट है उनको भी संज्ञान में लाया गया है। तो इसके ऊपर लीगल ओपिनियन में एक बार हम ओपिनियन भी लेना चाहेंगे, तो उसके बेसिस पे जो निकलेगा उसके तहत हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर चंद्रा को धमकी देने वाला शख्स कौन है और फोन के जरिए डॉक्टर चंद्रा को चेतावनी देने के पीछे उसका असल मकसद क्या है। मामला बेहद गंभीर है, ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस मामले के गुनहगार पर पुलिस का शिकंजा कब कसेगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया हिसार। मुंबई के गोरेगांव में एक नाबालिग नौकरानी की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मामला गोरेगांव पश्चिम के गार्डन स्टेट नाम की एक सोसाइटी का है। दरअसल परिवार वालों का आरोप है कि जिस दंपत्ति के यहाँ उनकी बेटी काम करती थी वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। उनके मुताबिक घर में उनकी बेटी के साथ बदसलूकी भी की गई। इधर पीड़ित परिवार इस घटना को आत्महत्या मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले को आत्महत्या मान रही है और मामले की तफ्तीश के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है। आपको बता दें कि इस सोसाइटी में कई नामचीन हस्तियां भी रहती हैं और इस बिल्डिंग में नौकरानियों की मौत का ये तीसरा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक शराबी पिता ने अपने ही दुधमुहे बच्चे को जमीन में जिंदा दफन कर दिया। मामला दुर्ग के बेलदार पारा इलाके का है। बताया जा रहा है कि पिता ने अपने बेटे को जमीन में सिर्फ इसलिए दफन कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। शिकायत पर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मासूम की तलाश में जुट गई। घर के शौचालय के पास बने चैम्बर के पास पड़े रेत के ढेर में से मासूम का हाथ बाहर दिख रहा था। पुलिस की मौजूदगी में शव को बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मासूम की पीठ पर चोट के भी निशान देखे गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी राकेश की तलाश कर रही है। पुलिस इसके लिए राकेश के रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को जहर दे सकती है? क्या कोई माँ अपने बच्चे की हत्या कर सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के कौशाम्बी की रहने वाली एक महिला ने कुछ ऐसा ही किया है। इस माँ पर अपने करीब 1.5 साल के बच्चे को जहर देने का आरोप लगा है और आरोप लगाया है बच्चे के पिता ने। 8 दिसंबर को शुभम नाम के बच्चे की मौत हो गई थी। शुभम के पिता ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध के चलते शुभम को जहर देने का आरोप लगाया है। वहीं आरोपी माँ का कहना है कि शुभम के पिता के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध है और उनकी भाभी ने ही शुभम को जहर दिया है क्योंकि घटना के दिन शुभम उनके घर खेल रहा था। हालांकि पुलिस को अब शुभम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जिसके बाद पुलिस को इस केस को सुलझाने में मदद मिल सकेगी। फिलहाल पुलिस ने शुभम के पिता के शिकायत पर शुभम की मां पर केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के देहरादून में नारी निकेतन मामले पर उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने इंडिया 24/7 का धन्यवाद ज्ञापन किया है। सरकार का पूरा फोकस होना चाहिए था और किसी कारणवश कुछ हमसे शायद चूक हो गई। सीएम हरीश रावत ने जहां इस मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के लिए इंडिया 24/7 का धन्यवाद किया, वहीं दूसरी नारी निकेतन सहित विक्षिप्त महिलाओं के उपचार के लिए मनोरोग हॉस्पिटल बनाने की भी घोषणा की। दूसरी ओर खबर है कि संवासनियों को देहरादून से हरिद्वार शिफ्ट किए जाने की भी तैयारी चल रही है। हरिद्वार के जिलाधिकारी हरवंश चुंग के मुताबिक समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से इस बाबत जानकारी मांगी गई थी। अधिकारियों की माने तो जिस जगह संवासनियों को शिफ्ट किया जाना है उस विशेष गृह की हालत भी बेहद खराब है। शासन को इसकी स्टेटस रिपोर्ट भेज दी गई है। मुंबई के पास थाने से धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां बिहार और उत्तर प्रदेश के 150 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा नौजवानों को ठगी का मामला सामने आया है। पैसे न होने के कारण ये नौजवान भूखे प्यासे पुलिस स्टेशन के बाहर बैठने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। इन लोगों का आरोप है कि एक कंपनी ने इनसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सहित दूसरे देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए, लेकिन जब वो कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। पीड़ित नौजवानों का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में ना कोई केस दर्ज कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है।
हालांकि दबाव बनाए जाने के बाद पुलिस ने पीड़ितों को मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नए साल के मौके पर इस बार उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान है। एसएचएम की एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है। ये तादाद बीते साल की तुलना में करीब 35% ज्यादा होगी। जिन जगहों पर पर्यटक सबसे ज्यादा देखे जाएंगे वे हैं आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद। बीते कुछ दिनों में वाराणसी की तरफ पर्यटकों ने काफी तेजी से रुख किया है। देव दीपावली के मौके पर गंगा में चलने वाली नावें 10 गुने ज्यादा किराए पर चली। इसके अलावा सारे बड़े होटल्स भरे रहे। प्रदेश के धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या और वृंदावन में भी पर्यटकों की आमद बढ़ी है। अनुमान के मुताबिक इन जगहों पर भी सैलानी नए साल के मौके पर नजर आएंगे। एसोचैम इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को वजह मान रहा है। आगरा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा शुरू किए गए नेचर वॉक और प्रधानमंत्री के कारण वाराणसी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है।